जीवडी में हम सब अपने स्टूडेंट फेज में एक चीज तो रियलाइज कर चुके होते हैं कि अगर सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, चाहे वो सीए कोर्स में हो, लॉ, एमबीए, ट्वेल्थ क्लास, किसी भी लेवल पे हो, अगर सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिर सारे सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन वो 3 से 4 बार रिवाइज करने का टाइम कैसे निकालें, वो सीए कोर्स वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक समझ नहीं आता। मुझे भी समझ नहीं आता था क्योंकि टाइम इतना कम है और सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं और इतने ह्यूज हैं। मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो कि मैंने जितनी बार भी अपनी पढ़ाई में यूज़ करी अपने स्टूडेंट डेज पे, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। मेरे को 3 से 4 बार एटलीस्ट सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में बहुत हेल्प करी। सीधा पॉइंट में आते हैं। देखिए, इस टेक्निक को मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं 1/4 रूल बोलता हूँ। इस टेक्निक के पीछे आइडिया क्या है, स्टूडेंट एक है, लेट्स से मिस्टर ए, वो डेली बेसिस पे जितने आवर्स लगा रहे हैं कुछ नया लर्न करने में, उसका 1/4 टाइम उनको डेली स्पेंड करना चाहिए टू रिवाइज जो भी उन्होंने पास्ट में पढ़ा है। अगर वो ये कर रहे हैं, सिर्फ 1/4 ऑफ दैट टाइम डेली बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स को बहुत इजीली मिनिमम 4 बार रिवाइज कर जाएंगे और उसके साथ साथ उनकी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाएगी सारे सब्जेक्ट्स पे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं मिस्टर ए के एग्जाम्पल से, जो कि डेली बेसिस पे लेट्स से सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहे हैं, या तो 4 घंटे की उनकी क्लासेस हो रही हैं डेली बेसिस पे, या फिर 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मोटा मोटा आइडिया क्या है कि 4 घंटे वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं डेली, तो इनको 1/4 रूल के हिसाब से रिविजन पे कितना टाइम देना चाहिए, डेली मिनिमम 1 घंटा निकालना है उनको। अगर वो 1 घंटा निकाल लेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ आप 4 बार रिवाइज कर जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स को। कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखिए, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये जो मिस्टर ए है, इनकी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है किसी भी सब्जेक्ट की फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। मंडे को क्या हुआ, वो पहली क्लास अटेंड करने गए, क्लास में सारे लॉजिक समझे, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, वापस आ गए। मंडे उनका पूरा डे खत्म हो गया, कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट डे पे, ट्यूसडे। ट्यूसडे को उन्होंने क्या करा, ट्यूसडे को उन्होंने क्लास नंबर 2 अटेंड करनी है, उससे पहले क्या करना है, क्लास नंबर 2 अटेंड करने से पहले उनको रिवीजन के लिए टाइम देना है, ये जो मैंने 1 घंटे का बताया था। अब देखिए, इसमें उसको क्या करना है स्टूडेंट को, इससे पहले सिर्फ क्लास नंबर 1 हुई है, अगर स्टूडेंट ने क्लास नंबर 1 अटेंटिवली पढ़ी थी, समझी थी, सारे लॉजिक्स अच्छे से समझे हैं, तो नेक्स्ट डे पे ही अगर उसको रिवाइज करने स्टूडेंट बैठ जाता है तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाले उसको रिवाइज करने में, क्योंकि टीचर 4 घंटे की क्लास में मैक्सिमम 3 से 3.5 घंटे बोलते हैं एक्सक्लूडिंग द ब्रेक, और 3 से 3.5 घंटे जो वो बोलते हैं उसमें, क्योंकि वो आपको पहली बार समझा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाते हैं, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे समझाते हैं। जब आपको फ्लिप करने होंगे पेजेस समझी समझाई चीज़ को, तो उसमें बहुत कम टाइम लगने वाला है। तो 30 मिनट्स में वो स्टूडेंट क्लास नंबर 1 को रिवाइज कर जाएगा, क्लास नंबर 2 अटेंड करेगा, पूरा दिन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं डे नंबर 3 पे, विच इज़ वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या होना था, क्लास नंबर 3 होनी थी। क्लास नंबर 3 से पहले क्या करना है स्टूडेंट को, दोनों क्लासेस रिवाइज करनी है पुरानी। पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी है, किस ऑर्डर में रिवाइज करेगा स्टूडेंट। जनरली हम स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना क्लास नंबर 1, फिर क्लास नंबर 2, फिर क्लास नंबर 3, ऐसे नहीं करना, आपको उल्टा चलना है। क्लास 3 हो रही है आज, तो आप उल्टा चलेंगे कैसे, पहले क्लास 2 रिवाइज करेंगे, फिर क्लास 1, फिर उससे पहले की कोई क्लास हो तो वो। कैसे रिवाइज करेगा स्टूडेंट, क्लास 3 हुई है, पहले वो क्लास 2 उठाएगा, वही बात, पिछले दिन की क्लास उठा रहे हो तो 30 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 30 मिनट्स लिख लिए मैंने। अब आप क्लास 1 भी उठाओगे क्योंकि आपके पास टाइम बचा है, मैंने कहा था डेली सिर्फ 1 घंटे कमिट करने हैं आपको रिविजन के लिए। क्लास 1 उठाई उसने स्टूडेंट ने, क्लास 1 क्योंकि उसने ऑलरेडी एक बार क्लास में पढ़ी थी अच्छे से, नेक्स्ट डे 30 मिनट्स में रिवाइज करी थी, तो थर्ड डे रिविजन करने में उसको कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट को, सिर्फ 20 मिनट्स लगने वाले हैं। फेयर इनफ, इस डे भी उसको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा, 50 मिनट्स स्पेंड करने पड़े, डे निकल गया। आते हैं नेक्स्ट डे पे, थर्सडे को स्टूडेंट की थी 4th क्लास। 4th क्लास से पहले क्या करना है, अगेन रिवर्स ऑर्डर में क्लासेस रिवाइज करनी शुरू करेगा वो स्टूडेंट। क्लास 3 रिवाइज करने में 30 मिनट्स लगे, क्लास 2 रिवाइज करने में 20 मिनट्स लगे, क्लास 1 रिवाइज करने के लिए भी टाइम बचा है क्योंकि मैंने 1 घंटे की कमिटमेंट मांगी थी। वही पैटर्न नोटिस करिए, क्लास 1 आपने क्लास अच्छे से पढ़ी, 30 मिनट्स में नेक्स्ट डे रिवाइज करी, नेक्स्ट डे रिवाइज करने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स लगे, उसके नेक्स्ट डे रिवाइज करने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे। 30, 20, 10, ये हमेशा डिक्रीज होगा क्योंकि आपने बहुत रिसेंटली पढ़ी है ना, डेली बेसिस पे आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं। इस डे पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, आपका पूरा 1 घंटा जो मैंने आपसे कमिटमेंट मांगी थी वो आपका यूटिलाइज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे, यहाँ पे आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस लग रही होंगी लेकिन कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। क्लास 5 पे आए हम, क्लास 5 में क्या हुआ,
क्लास फाइव से पहले वही रिविजन का 1 घंटा निकालना था स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने रिवाइज करना शुरू करा, क्लास फोर पे 30 मिनट्स, क्लास थ्री पे 20 मिनट्स, क्लास टू पे 10 मिनट्स। अब स्टूडेंट क्या देखता है, मेरा 1 घंटा तो कंप्लीट हो गया और मेरे पास क्लास वन रिवाइज करने का टाइम नहीं बचा। लेकिन आपको ज़रूरत भी नहीं है अब रिवाइज करने की, क्यों? आप क्लास वन को आप यहाँ पे देखेंगे, फ्राइडे को जब आप खड़े होकर देखेंगे, आपने क्लास वन ऑलरेडी एक बार तो क्लास में अच्छे से पढ़ ली टीचर से, उसके बाद 3 बार आप यहाँ पे रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 बार तो आपकी क्लास क्लास के साथ रिविजन हो गई एक सब्जेक्ट की। अब आप इसको रख भी देंगे ना क्लास वन को पूरे एंड तक के लिए कि पूरा बैच खत्म होने तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक रिविजन करनी होगी एंड में कभी भी जाके एग्जाम से पहले। आपको क्योंकि आपने ऑलरेडी इस क्लास पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, अच्छे से समझ लिया है उसको, अच्छे से 3 बार रिवाइज कर लिया है, चौथी रिविजन करना बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। अच्छे से आपके माइंड में चीज़ें इम्प्रिंट हो चुकी होंगी, 4 रिविजन्स हो चुकी होंगी सब्जेक्ट की, जिनमें से 3 तो क्लास के साथ हो चुकी होंगी। दिस इज द होल पॉइंट बिहाइंड दिस 1/4 रूल। होता क्या है, आप जैसे ही रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू करते हैं तो ये इंश्योर क्या करवाएगा कि आपने 3 3 क्लासेस, मतलब बेसिकली हर क्लास 3 बार एटलीस्ट रिवाइज करी हो। उल्टे ऑर्डर में करने का फंडा ही है कि जैसे ही आप जैसे ही क्लास, लेट्स से क्लास नंबर 6 पे आते हैं, क्लास 6, तो उसका क्या होगा, वो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आप देखिए 30 20 10, तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी क्लासेस की रिविजन एलिमिनेट हो गई, क्लास 1 क्लास 2। आप देखेंगे पुरानी जो क्लासेस हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होते रहेंगी, तो आपको कोई ट्रैक भी नहीं रखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ आपने पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है, कितनी बार नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो, सिर्फ 1 घंटे लगाओ, यानी कि 1/4 ऑफ द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन लर्निंग न्यू थिंग्स, आप सारी क्लासेस को 3 बार रिवाइज कर जाएंगे क्लास के साथ साथ। एक और मज़े की चीज़, अब ये स्टूडेंट कोई कहता है कि मैं तो सर डेली 4 घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी तो दिन में 3 3 क्लासेस हो रही हैं 12 घंटे की, तो स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए 1/4 रूल के हिसाब से, 3 घंटे रिवीजन के निकालने चाहिए। अगर आप 3 घंटे रिवीजन के नहीं निकाल पा रहे तो फिर आप 12 घंटे की क्लासेस मत लीजिए, क्योंकि आप अगर सिर्फ पढ़ते जाएंगे क्लासेस में और उसको साथ साथ रिवाइज नहीं करेंगे और एंड में उठाएंगे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, डाउट्स बहुत ज़्यादा आएंगे जिनको क्लैरिफाई करने के लिए आपके पास टीचर नहीं होगा, क्योंकि बैच खत्म हो चुका है और इतने सारे डाउट्स आप क्लैरिफाई नहीं करवा पाएंगे अपने। दूसरी दिक्कत आपको क्या आएगी, आपने 3 3 सब्जेक्ट्स इतने रश में पढ़ लिए, आपको ये इल्यूजन आएगा कि आपने क्लासेस ख़त्म कर ली तो आपका सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आया होगा, आपके दिमाग में नहीं घुसा होगा। तो इट इज़ बेटर टू टेक लेस नंबर ऑफ क्लासेस एट अ टाइम रादर देन स्किपिंग ऑन द रिविजन पार्ट। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मेरे को सर 3 3 क्लासेस लेनी पड़ेंगी इस सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करने के लिए, ट्राई टू टेक पेन ड्राइव क्लासेस, ताकि आपका आने जाने में ट्रैवल टाइम बचे, ताकि आप किसी डे पे रिवीजन अगर कम हो रही हो, रिवीजन के लिए टाइम ना मिल रहा हो, तो आप रिवीजन पूरी करें और क्लासेस बेशक कम देख लें, किसी ना किसी तरीके से मैनेज करें। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने का क्लासेस के बीच में, जो मैं पर्सनली यूज़ करा करता था। मेरी भी एक टाइम पे इंटर लेवल पे 3 क्लासेस हुआ करती थी एक दिन में, यानी कि 12 घंटे की क्लासेस। क्या होता था कि सुबह सुबह पहुँचना है 6 बजे आईटीओ में कोई क्लास है, उसके बाद दूसरी क्लास होएगी मेरी कश्मीरी गेट में, उसके बाद मेरी तीसरी क्लास होएगी दोबारा आईटीओ वापस आना है, तो इन सब में मेरा ट्रैवल टाइम बहुत होता था। तो पहली चीज़ मैं क्या करता था, आई यूज़ टू इंश्योर कि मैं पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाऊँ, मैं अपनी कार लेके अपना कोई और व्हीकल लेके ना जाऊँ जिसको मेरे को ड्राइव करना पड़े कॉन्स्टेंटली। मेरा होता था कि मैं पर्सनल व्हीकल नहीं लेके जाऊँगा, किसी ना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाऊँगा, जैसे कि मेट्रो या बस या कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे मैं ट्रैवल करते करते पढ़ पाऊँ। तो आप ये जो ट्रैवलिंग के जो टाइम स्पेसेस हैं जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे से लेके 3 घंटे जो आपको यहाँ पे निकालने हैं रिविजन के लिए, वो बहुत ईजिली आप इनके बीच में निकाल सकते हैं। मैं भी ऐसे निकालता था, कभी भी टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, बीच में मस्ती हो रही है, आपको दिख रहा है कि नहीं 10-15 मिनट का गैप आ जाएगा पढ़ाई में, आप कुछ ना कुछ पढ़ने लगी है, आपके पास शॉर्ट समरीज होनी चाहिए पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ तरीक़ों से आपको ये जो गैप्स हैं ना उनको यूटिलाइज़ करना सीखना पड़ेगा। जैसे आप उनको यूटिलाइज़ करना सीख गए, आपके पास टाइम की कमी नहीं होने वाली और आप बहुत ईजिली सारे सब्जेक्ट्स को जितनी बार आप रिवाइज़ करना चाहते हैं उतनी बार रिवाइज़ कर जाएंगे। तो दिस वॉज द पॉइंट ऑफ दिस होल वीडियो कि आपको एक सब्जेक्ट को 3 बार मिनिमम 3 से 4 बार रिवाइज़ करना आ जाए। आई होप यू हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।